चलिए मदरबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, उस पर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और हर एक कंपोनेंट का नाम। वैसे मदरबोर्ड चाहे आपके मोबाइल में लगा हो, चाहे कंप्यूटर में लगा हो, चाहे कहीं भी लगा हो, उसे मदरबोर्ड ही कहते हैं। बट मदरबोर्ड क्यों कहते हैं, इस वीडियो में ये भी जानेंगे मदरबोर्ड नाम क्यों है। सो मैं शुरू करता हूँ व्हाट इज़ मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड ना एक पीस ऑफ प्लास्टिक होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बिठाई गई होती हैं। यहाँ पे सर्किट में आप देखेंगे सीपीयू यहाँ लगता है, रैम यहाँ लगता है, और आपको बायोस यहाँ लगता है, सीमोस बैटरी यहाँ लगती है, नॉर्थ ब्रिज यहाँ पे है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बारी बारी एक एक को हम क्लियर करने वाले हैं। फिलहाल इतना मैं बताऊँ कि मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों कहते हैं। देखिए क्या होता है ना, हमारे रिलेशंस मदर से ही हैं। यानी आपकी मदर हैं तो माँ हैं, पापा हैं, सब हैं, चाचा हैं, भाई है, मदर से ही सारे रिलेशन होते हैं। वैसे ही इस कंप्यूटर में, यानी आपके कंप्यूटर में सारे कनेक्शंस, सारी कनेक्टिविटी मदरबोर्ड से ही होती है। कुछ भी आप कनेक्ट करेंगे, आपका सीपीयू हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, है ना, कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं वो मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होता है। यानी मदरबोर्ड नहीं होगा तो कनेक्ट किससे करेंगे। तो कोई भी डिवाइस आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड एक पीस ऑफ प्लास्टिक होता है जिससे सारे डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट या कनेक्टेड होते हैं। अब इनके पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो स्लॉट दिखाई दे रहा है, ये एक स्क्रैप है, डरने की बात नहीं है। ये जो स्लॉट दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा सीपीयू का स्लॉट, जहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू लगता है। यहाँ सीपीयू लगता है, ये किसी और पीसी का स्लॉट सीपीयू है, यहाँ पे सीपीयू लगता है। सीपीयू का प्लेस ये है, ये देख रहे हैं, ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या करता है, कंप्यूटर को मेमोरी देता है चलने के लिए, ये है रैम। अब मैं एक एक चीज़ को बताता हूँ, रोम क्या होता है कंप्यूटर में। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो बायोस लिखा हुआ है, ये एक रोम चिप है जहाँ पे बायोस के बारे में लिखा हुआ है। ये सारे जो पोर्ट्स आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद से आपका साउथ ब्रिज देखेंगे तो इसको हम साउथ ब्रिज के नाम से जानते हैं। PCI स्लॉट्स होते हैं, PCI स्लॉट्स यानी कि ये जो स्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही कई सारे स्लॉट्स होते हैं जिनमें PCI स्लॉट्स होता है। इसका क्या काम है, यहाँ पे इंटरनेट साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड वगैरह हम लगाते हैं। USB पोर्ट होते हैं, वो USB पोर्ट कहाँ होते हैं, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं जो USB पोर्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये USB पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद से आपके ही इस कंप्यूटर में AGP स्लॉट भी होते हैं, जिसमें ऐसे ही कार्ड स्लॉट्स होते हैं जिसको एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड वीडियो के लिए, हाई क्वालिटी वीडियो के लिए लगाया जाता है। अब तो CPU के साथ GPU भी आ रहा है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU जैसा ही काम कर रहा है। IDE भी होते हैं, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद से इथरनेट, उनका काम क्या होता है, इथरनेट वगैरह यानी जो देख रहे हैं ना इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह, ये सारे ये IDE का काम है, ये इससे कनेक्ट होते हैं। बाकी और भी कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये कैपेसिटर है, ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर होते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली को कंटेन करके रखते हैं, डेटा को कंटेन करके रखते हैं। बाकी ये IC वगैरह हैं, यहाँ पे ICs हैं, और ये जो छोटे छोटे पाथ दिखाई दे रहे हैं, रास्ते दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क लगाने का पोर्ट होता है, यहाँ पे आप हार्ड डिस्क लगाते हो। बाकी ये जो है, ये पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्ट है आपका जो करंट आता है कहाँ से, SMPS से, स्विच मोड पावर सप्लाई से, वो यहाँ आता है। यहाँ पे एक और पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये फ़ैन के लिए होता है, इसमें फ़ैन लगता है, CPU के ऊपर हीट सिंक और फ़ैन लगता है ताकि CPU को ठंडा कर सके। तो यहाँ पे आपका फ़ैन भी लगता है CPU के ऊपर। और भी चीज़ें बताऊँ तो ये देख रहे हैं आपको, ये है आपकी लिथियम बैटरी, ये है सीमोस बैटरी, जो क्या करती है ना, जो इस BIOS को चलाती है। आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी कंप्यूटर में लाइट नहीं जाती है, यानी कंप्यूटर का जो डेट एंड टाइम है वो चेंज नहीं होता है। डेट एंड टाइम चेंज ना होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो इस बैटरी की है, सीमोस बैटरी की है। ये बैटरी लिथियम बैटरी है, 50 रुपये की आती है, अब लगाएंगे डेट एंड टाइम कभी बदलेगा नहीं, यानी कि अगर ये नहीं लगता है तो डेट एंड टाइम बदल जाएगा। तो ये होल सोल, अब हम आ जाएंगे थोड़ा सा पोर्ट के बारे में, मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे ये PS2 पोर्ट है, PS2 पोर्ट पहले जो कीबोर्ड और माउस आते थे उनके पोर्ट हैं, PS2 पोर्ट, थोड़ा स्क्रैप है, पुराना मॉडल है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे VGA केबल लगता है, ये VGA पोर्ट है जहाँ पे विजुअल ग्राफिक अडैप्टर मॉनिटर का केबल जो है यहाँ पे लगता है VGA के लिए। इसको मैंने बताया आपका आपका क्या है, तो यहाँ पे ये USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी USB है। बाकी PCI पोर्ट्स हैं यहाँ पे जो है इंटरनेट इथरनेट कार्ड्स के लिए होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो माइक और स्पीकर के लिए पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी
भी चीज़ें हैं जो अगले वीडियो में हम कंटेन करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये हार्ड डिस्क है, बाकी कीबोर्ड वगैरह, तो होल सोल ये आपका मदरबोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर है। बन रही है ऐसे वीडियो के लिए दुर्गेश सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय।